उनसे भिन्न अन्य मनुष्य दंभी और अभिमानी होते हैं। वे मंद बुद्धि मानव आसन देने योग्य गुरुजन के आने पर उन्हें पीड़ा तक नहीं देते, जिन्हें स्वयं किनारे हटकर जाने के लिए मार्ग देना उचित है, उनके लिए वे अज्ञानी मार्ग नहीं देते। जो लोग अर्घ्य पाने योग्य हैं, उनका वे विधिपूर्वक पूजन नहीं करते, उन्हें पाद्य अथवा आचमनीय भी नहीं देते। अभिष्ट एवं श्रेष्ठ गुरुजन से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं करते। अभिमान के साथ ही बड़े हुए लोभ के वशीभूत होकर वे मानवीय पुरुषों का भी अनादर और बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करते हैं। देवी, ऐसे स्वभाव वाले सभी मनुष्य नरक में जाते हैं। यदि वे कभी उस नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों तक अन्याय योनियों में भटकने के बाद घृणित, अज्ञानी, चांडाल आदि के निंदित कुल में जन्म पाते हैं। गुरुजनों और वृद्ध पुरुषों को संताप देने वाले लोग की यही गति होती है। जो न दंभी हैं न मानी हैं, जो देवता और अतिथियों का पूजक, लोक पूज्य, सबको नमस्कार करने वाला, मधुरभाषी, सब प्रकार की चेष्टाओं से दूसरों का प्रिय करने वाला, समस्त प्राणियों को सदा प्रिय मानने वाला, द्वेष रहित, प्रसन्न मुख, कोमल स्वभाव, सबसे स्वागत पूर्वक स्नेहमय वचन बोलने वाला, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों का विधिवत सत्कार पूर्वक पूजन करने वाला, मार्ग देने योग्य पुरुषों को मार्ग देने वाला, गुरु पूजक और अतिथि को अन्न का अग्रभाग अर्पित करने वाला है, ऐसा पुरुष स्वर्ग में जाता है। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का बताया हुआ धर्म है, जिसका मैंने वर्णन किया है। जिसका आचरण निर्दयतापूर्ण होता है, जो सब प्राणियों के मन में भय उपजाता है, हाथ पैर रस्सी डंडा ढेला खंभा अथवा अन्य साधनों से जीवों को कष्ट देता है, हिंसा के लिए उद्वेग पैदा करता है, जीवों पर आक्रमण करता और उन्हें उद्विग्न बनाता है, ऐसे स्वभाव और आचरण वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। वह यदि कालक्रम से मनुष्य योनि में जाता है तो अधम कुल में जन्म लेता है। वहाँ उसे नाना प्रकार की बाधाएं और क्लेश सहन करने पड़ते हैं। वह अधम मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप सब लोगों का द्वेषपात्र होता है। इसके विपरीत जो सब प्राणियों को दयापूर्ण दृष्टि से देखता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है, पिता के समान निर्वैर होता है, दयालु होने के कारण प्राणियों को न डराता है और न मारता ही है, जिसके हाथ पैर वश में होते हैं, जो संपूर्ण जीवों का विश्वास पात्र है, रस्सी डंडा ढेला अथवा अस्त्र शस्त्रों से किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाता, शुभ कर्म करता और सब पर दया रखता है, ऐसे शील आचरण वाला मनुष्य स्वर्ग में जाता है। वहाँ देवताओं की भांति वह दिव्य भवन में सानंद निवास करता है। वह यदि पुण्य पक्ष के पश्चात मृत्युलोक में आता है तो मनुष्य योनि में क्लेश रहित एवं निर्भय होता है। वह सुख से जन्म लेता और अभ्युदयशील होता है, सुख का भागी तथा उद्वेग शून्य होता है। देव, यह साधु पुरुषों का मार्ग है, जहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं है। पार्वती जी ने पूछा, भगवन, कुछ मनुष्य ऊहापोह में कुशल दिखाई देते हैं, अतः कृपया बताइए किस मार्ग से मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, तथा जो लोग जन्म से ही अंधे, रोगी तथा नपुंसक देखे जाते हैं, उनके वैसे होने में क्या कारण है, बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, जो लोग वेद वेत्ता सिद्ध तथा धर्मज्ञ ब्राह्मणों से प्रतिदिन शुभाशुभ कर्म पूछते हैं और अशुभ का त्याग करके शुभ कर्म का सेवन करते हैं, वे इस लोक में सुख से रहते और अंत में स्वर्गगामी होते हैं। ऐसे लोग जब फिर कभी मनुष्य योनि में आते हैं तब बुद्धिमान होते हैं, जिसका वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान में सहायक होता है, वह कल्याण का भागी होता है।
जो पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालते हैं वे उस दुष्ट स्वभाव के कारण जन्मांध होते हैं। जो दूषित मन से पराई स्त्री को नंगी देखते हैं वे पापी मनुष्य इस लोक में रोग से पीड़ित होते हैं। जो मूर्ख और दुराचारी मानव पशु आदि के साथ मैथुन करते हैं वे मानव नपुंसक होते हैं। जो पशुओं को बांधे रखते तथा गुरु पत्नी गमन करते हैं वे मनुष्य भी नपुंसक होते हैं। पार्वती जी ने पूछा, देव श्रेष्ठ, कौन सा कर्म अनिंद्य है, क्या करने से मनुष्य कल्याण का भागी होता है? महादेव जी ने कहा, जो कल्याणमय मार्ग की इच्छा रखता हुआ सदा ब्राह्मणों से उसकी जिज्ञासा करता है, जो धर्म का अन्वेषण और गुणों की अभिलाषा करता है वह स्वर्ग में जाता है। देवी, यदि कभी यह फिर मनुष्य योनि में आता है तो मेधावी और धारणा शक्ति से युक्त होता है। यह सत्पुरुषों का धर्म सबका कल्याण करने वाला है, अतः इसी पर चलना चाहिए, यह मैंने मनुष्यों के हित के लिए बतलाया है। पार्वती जी ने पूछा, भगवन, कुछ लोग व्रत और तप से भ्रष्ट एवं राक्षस के समान देखे जाते हैं और कुछ मनुष्य यज्ञ पारायण दृष्टिगोचर होते हैं, यह किस कर्म विपाक का फल है? महादेव जी ने कहा, देव, लोक धर्म के प्रतिपादक शास्त्र और प्राचीन मर्यादा को प्रमाण मानकर जो उसका अनुसरण करते हैं वे दृढ़ संकल्प एवं यज्ञ तत्पर देखे जाते हैं, परंतु जो मोह के वशीभूत हो अधर्म को ही धर्म बताते हैं वे व्रत और मर्यादा का लोप करने वाले मानव ब्रह्म राक्षस होते हैं। उन्हीं में से जो लोग काल क्रम से यहाँ फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं वे होम और वसटकार से शून्य एवं मनुष्यों में अधम होते हैं। देव, मैंने तुम्हारे संदेह का निवारण करने के लिए यह मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म का निरूपण किया है। भगवान वासुदेव का महात्म्य। दास जी कहते हैं, जगन माता पार्वती अपने स्वामी से कही हुई सब बातें आदि से ही सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उस समय वहाँ तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जो मुनि और उस समय वहाँ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से जो मुनि उस पर्वत पर गए थे उन्होंने भी शूलपाणि महादेव जी का पूजन और प्रणाम करके सब लोगों के हित के लिए प्रश्न किया। मुनि ने कहा, त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। इस रोमांचकारी महाभयंकर संसार में अज्ञानी पुरुष चिरकाल से भटक रहे हैं, वे जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं, बताइए, हम यही सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, द्विजों, कर्म बंधन में बंधकर दुख भोगने वाले मनुष्यों के लिए मैं भगवान वासुदेव से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं देखता। जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान वासुदेव का मन वाणी और क्रिया द्वारा विधिपूर्वक पूजन करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनका मन जगन में भगवान वासुदेव में नहीं लगा उनके जीवन से और पशुओं की भांति चेष्टा से क्या लाभ हुआ? मुनियों ने कहा, सर्वलोक वंदित पिनाकधारी भगवान शंकर, हम भगवान वासुदेव का महात्म्य सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, सनातन पुरुष श्री हरि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। उनका श्री विग्रह श्याम वर्ण है, उनकी कांति जांबुनद नामक स्वर्ण के समान है, वे मेघ रहित आकाश में सूर्य की भांति प्रकाशित होते हैं, उनके 10 भुजाएं हैं, वे महातेजस्वी और देव शत्रुओं के नाशक हैं, उनके वक्षस्थल में श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभा पाता है, वे इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण देववृंद के अधिपति हैं, उनके उदर से ब्रह्मा का और मस्तक से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, सिर के बालों से नक्षत्र और ग्रह तथा रोमावलियों से देवता और असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके शरीर से
ऋषि और सनातन लोक प्रकट हुए हैं, वे साक्षात ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान हैं। वे ही संपूर्ण पृथ्वी के रचयिता और तीनों लोकों के स्वामी हैं। स्थावर जंगम भूतों का संहार करने वाले वे ही हैं। वे देवताओं के भी देवता और रक्षक हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले सर्वज्ञ, सर्वसृष्टा, सर्वव्यापी और सब ओर मुख वाले हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे सनातन महाभाग गोविंद के नाम से विख्यात हैं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए वे मानव शरीर में अवतीर्ण होकर वे समस्त भूपालों का युद्ध में संहार करेंगे। भगवान विष्णु के बिना देवगण अनाथ हैं, अतः उनके बिना वे संसार में देव कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। संपूर्ण भूतों के नायक भगवान विष्णु समस्त प्राणियों द्वारा वंदित हैं। वे देवताओं के नाथ, कार्य कारण, ब्रह्मस्वरूप और ब्रह्मर्षियों को शरण देने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनकी नाभि में हैं और मैं शरीर में, संपूर्ण देवता भी उनके शरीर में सुखपूर्वक स्थित हैं। वे भगवान कमल के समान नेत्र धारण करते हैं। उनके गर्भ में श्री का निवास है। वे सदा लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। शांग नामक धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खंग उनके आयुध हैं। संपूर्ण नागों के शत्रु गरुण उनकी ध्वजा में विराजमान हैं। उत्तमशील, शौच, इंद्रिय संयम, पराक्रम, वीर्य, सुदृढ़ शरीर, ज्ञान, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सभी गुणों से वे सुशोभित हैं। उनके पास संपूर्ण दिव्यास्त्रों का समुदाय है। उनके योग माया में सहस्रों नेत्र हैं। वे विकराल नेत्रों वाले भी हैं। उनका हृदय विशाल है। वे अपनी बाणी से मित्रजनों की प्रशंसा करते हैं। कुटुंबी और बंधुजनों के प्रेमी हैं। क्षमाशील, अहंकार शून्य और वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। वे भयातुरों के भय का अपहरण और मित्रों के आनंद की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त प्राणियों को शरण देने वाले और नदी के पालक हैं। शास्त्रों के ज्ञाता और ऐश्वर्य संपन्न हैं। शरण में आए हुए मनुष्यों के उपकारी और शत्रुओं को भय देने वाले हैं। नीतिज्ञ, नीति संपन्न, ब्रह्मवादी, जितेंद्रिय और उत्कृष्ट बुद्धि से युक्त हैं। वे देवताओं के अभ्युदय के लिए महात्मा मनु के वंश में अवतार लेंगे। उस अवतार में वे ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले ब्रह्मस्वरूप और ब्राह्मणों के प्रेमी होंगे। यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण राजगृह में जरासंध को जीतकर उनकी कैद में पड़े हुए राजाओं को छुड़ाएंगे। पृथ्वी के समस्त रत्न उनके पास संचित होंगे। वे अत्यंत पराक्रमी होंगे। भूतल पर दूसरा कोई वीर उन्हें पराक्रम द्वारा परास्त न कर सकेगा। वे विक्रम से संपन्न समस्त राजाओं के भी राजा और वीर मूर्ति होंगे। भगवान वासुदेव द्वारका में रहते हुए दुर्बुद्धि दैत्यों को पराजित करके इस पृथ्वी का पालन करेंगे। आप सब लोग ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की सेवा में उपस्थित हो सनातन ब्रह्मा जी की भांति उनका यथा योग्य पूजन करें। जो मेरा तथा पितामह ब्रह्मा का दर्शन करना चाहता हो उसे परम प्रतापी भगवान वासुदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। उनका दर्शन होने से ही मेरा भी दर्शन हो जाता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तपोधनों, भगवान वासुदेव ही ब्रह्मा हैं ऐसा जानो। जिन पर कमल नयन भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे उन पर ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। संसार में जो मानव भगवान केशव की शरण लेगा उसे कीर्ति, यश और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, वह धर्मात्मा होने के साथ ही धर्म का उपदेश करने वाला आचार्य होगा। महातेजस्वी भगवान विष्णु ने प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से धर्मानुष्ठान के लिए कोटि कोटि ऋषियों को उत्पन्न किया। वे सनत कुमार आदि ऋषि
गंधमादन पर्वत पर विधिपूर्वक तपस्या में संलग्न हैं, इसलिए धर्मज्ञ एवं प्रवचन कुशल भगवान विष्णु सबके लिए नमस्कार करने योग्य हैं। वे वंदित होने पर स्वयं वंदना करते हैं और सम्मानित होने पर स्वयं भी सम्मान देते हैं। जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है उस पर वे भी सदा कृपा दृष्टि रखते हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसकी ओर वे भी बढ़ आते हैं। जो उनकी अर्चना करता है उसकी वे भी सदा अर्चना करते हैं। इस प्रकार आदि देव भगवान विष्णु अनिंद हैं। साधु पुरुषों ने उनकी आराधना के लिए बड़ी भारी तपस्या की है। देवताओं ने भी सनातन देव श्री हरि का सदा ही पूजन किया है। भगवान के अनुरूप निर्भयता से युक्त हो उनकी शरण में जाकर उनकी आराधना में मन लगाया है। संपूर्ण द्विजों को चाहिए कि वे मन वाणी और क्रिया द्वारा भगवान देवकी नंदन की सेवा में उपस्थित हो यत्नपूर्वक उनका दर्शन और नमस्कार करें। मुनिवरों, मैंने इसी मार्ग का अनुष्ठान किया है। उन सर्वदेवेश्वर भगवान का दर्शन कर लेने पर संपूर्ण देवताओं का दर्शन हो जाता है। उन महाबारा रूपधारी सर्वलोक पितामह जगतपति भगवान विष्णु को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ। उन्हें श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम जी होंगे, जिनका श्वेत गिरि के समान गौरवर्ण होगा। इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग ही उनके रूप में अवतीर्ण होंगे। वे भगवान शेष बड़ी प्रसन्नता के साथ सर्वत्र विचरण करते हैं। वे अपने फण से पृथ्वी को लपेट करके स्थित हैं। ये जो भगवान विष्णु कहलाते हैं वे ही इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत हैं। जो बलराम हैं वही समस्त इंद्रियों के स्वामी धरणीधर अच्युत हैं। वे दोनों पुरुष सिंह दिव्य रूप एवं दिव्य पराक्रमी हैं। उन दोनों का दर्शन और सादर आदर करना चाहिए। वे क्रमशः चक्र और हल धारण करने वाले हैं। तपोधन, मैंने तुम लोगों से भगवान के अनुग्रह का यह उपाय बताया है, अतः तुम सब लोग प्रयत्नपूर्वक यदुश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करो। श्री वासुदेव के पूजन की महिमा तथा एकादशी को भगवान के मंदिर में जागरण करने का महात्म्य, ब्रह्म राक्षस और चांडाल की कथा। मुनियों ने कहा, महर्षि, हमने भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत महात्म्य सुना। वह सब पापों को दूर करने वाला, पुण्यमय, धन्य एवं संसार बंधन का नाश करने वाला है। महामुने, श्री वासुदेव के पूजन में संलग्न रहने वाले मनुष्य उनका विधिपूर्वक भक्तिभाव से पूजन करके किस गति को प्राप्त होते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह वैष्णवों को सुख देने वाला विषय है, ध्यान देकर सुनो। वैष्णवों के लिए स्वर्ग और मोक्ष दुर्लभ नहीं है। वैष्णव पुरुष जिन जिन दुर्लभ भोगों की अभिलाषा करते हैं उन सबको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई पुरुष कल्प वृक्ष के पास पहुँच जाने पर अपनी इच्छा के अनुसार फल पाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भक्त मनुष्य श्रद्धा और विधि के साथ जगत गुरु भगवान वासुदेव का पूजन करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल स्वरूप स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग सदा भक्तिपूर्वक अविनाशी वासुदेव जी की पूजा करते हैं उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो समस्त मनोवांछित फलों के देने वाले सर्व पापहारी श्री हरि का सदा पूजन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अंत्यज्य सभी सुरश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं। दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास पूर्वक एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वक स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहने इंद्रियों को अपने काबू में रखें और पुष्प, गंध, धूप,
दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के उपहार, जप, होम, प्रदक्षिणा, भांति भांति के दिव्य स्त्रोत्र, मनोहर गीत, वाद्य, दंडवत प्रणाम तथा जय शब्द के उच्चारण द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजन के पश्चात रात्रि में जागरण करके श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कथा वार्ता करें अथवा भगवत संबंधी पदों का गान करें। यों करने वाला मनुष्य भगवान श्री विष्णु के परम धाम को जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुनियों ने पूछा, महामुने, भगवान विष्णु के लिए जागरण करके गीत गाने का क्या फल है, उसे बताइए। उसका श्रवण करने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय गान करने का जो फल बताया गया है वह क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। इस पृथ्वी पर अवंती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी, जहाँ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु विराजमान थे। उस नगरी के किनारे एक चांडाल रहता था, जो संगीत में कुशल था। वह उत्तम वृत्त से धन पैदा करके कुटुंब के लोगों का भरण पोषण करता था। भगवान विष्णु के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी। वह अपने व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करता था। प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को वह उपवास करता और भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें गीत सुनाया करता था। वह गीत भगवान विष्णु के नामों से युक्त और उनकी अवतार कथा से संबंध रखने वाला होता था। गांधार, खड़ज, निषाद, पंचम और धैवत आदि स्वरों से वह रात्रि जागरण के समय विभिन्न गाथाओं द्वारा श्री विष्णु का यशोगान करता था। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान को प्रणाम करके अपने घर आता और पहले दामाद, भांजे और कन्याओं को भोजन कराकर पीछे स्वयं सपरिवार भोजन करता था। इस प्रकार विचित्र गीतों द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए उस चांडाल की आयु का अधिकांश भाग बीत गया। एक दिन चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वह भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए जंगली पुष्पों का संग्रह करने के निमित्त भक्तिपूर्वक उत्तम वन में गया। छिप्रा के तट पर महान वन के भीतर एक बहेड़े का वृक्ष था। उसके नीचे पहुंचकर किसी राक्षस ने उस चांडाल को देखा और भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। यह देख चांडाल ने उस राक्षस से कहा, भद्र, आज तुम मुझे न खाओ, कल प्रातः खा लेना, मैं सत्य कहता हूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। राक्षस, आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है, अतः मुझे छोड़ दो, मुझे भगवान विष्णु की सेवा के लिए रात्रि में जागरण करना है, तुम्हें उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। ब्रह्म राक्षस संपूर्ण जगत का मूल सत्य ही है, अतः मेरी बात सुनो, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, पुनः तुम्हारे पास लौट आऊँगा। पराई स्त्रियों के पास जाने और पराए धन को हड़प लेने वाले मनुष्य को जिस पाप की प्राप्ति होती है, ब्रह्म हत्यारे, शराबी और गुरुपत्नी गामी तथा शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाले द्विज को जो पाप होता है, कृतघ्न, मित्रघाती, दोबारा ब्याही हुई स्त्री के पति, क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले पुरुष, कृपण तथा बंध्या के अतिथि को जो पाप लगता है, अमावस्या, अष्टमी, खष्टी और दोनों पक्षों की चतुर्दशी में स्त्री समागम से जो पाप होता है, ब्राह्मण यदि रजस्वला स्त्री के पास जाए अथवा श्राद्ध करके स्त्री समागम करे, उससे जो पाप लगता है, मल भोजन करने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है, मित्र की पत्नी के साथ संभोग करने वाले लोगों को जो दोष प्राप्त होता है, चुगलखोर, दंभी, मायावी और मधुघाती को जिस पाप की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके फिर उसे न देने वाले को जो दोष लगता है, स्त्री हत्या, बाल हत्या और मिथ्या भाषण करने वाले को जिस पाप का भागी होना पड़ता है,
देवता, वेद, ब्राह्मण, राजा, मित्र और साध्वी स्त्री की निंदा करने पर जो पाप होता है, गुरु को झूठा कलंक देने, वन में आग लगाने, गौ की हत्या करने, ब्रह्माधम होने और बड़े भाई के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर जो पाप लगता है, तथा भ्रूण हत्या करने वाले मनुष्य को जिस पाप की प्राप्ति होती है, अथवा यहाँ बहुत से शपथों का वर्णन करने से क्या लाभ। राक्षस, एक भयंकर शपथ सुन लो। यद्यपि वह कहने योग्य नहीं है तो भी कहता हूँ, अपनी कन्या को बेचकर जीविका चलाने वाले, झूठी गवाही देने एवं यज्ञ के अनधिकारी से यज्ञ कराने वाले मनुष्य को जिस पाप का भागी होना पड़ता है, तथा सन्यासी और ब्रह्मचारी को काम भोग में आसक्त होने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है, उक्त सभी पापों से मैं लिप्त हूँ, यदि तुम्हारे पास लौट कर न आऊँ। चांडाल की यह बात सुनकर ब्रह्म राक्षस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कहा, जाओ, सत्य के द्वारा अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना। राक्षस के यों कहने पर चांडाल फूल लेकर भगवान विष्णु के मंदिर पर आया। उसने सभी फूल ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया और अपने घर की राह ली। किंतु चांडाल ने मंदिर के बाहर ही भूमि पर बैठकर उपवास पूर्वक गीत गाते हुए रात भर जागरण किया। रात बीती, सवेरा हुआ और चांडाल ने स्नान करके भगवान को नमस्कार किया। फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए वह राक्षस के पास चल दिया। उसे जाते देख किसी मनुष्य ने पूछा, भद्र, कहाँ जाते हो? चांडाल ने सब बातें कह सुनाई। तब वह मनुष्य फिर बोला, यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थों का साधन है, अतः विद्वान पुरुषों को बड़े यत्न से इसका पालन करना चाहिए। मनुष्य जीवित रहे तो वह धर्म, अर्थ, सुख और श्रेष्ठ मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। जीवित रहने पर वह कीर्ति का भी उपार्जन कर लेता है। संसार में मरे हुए मनुष्य की कोई चर्चा ही नहीं करता। उसकी बात सुनकर चांडाल ने युक्त युक्त वचनों में उत्तर दिया, भद्र, मैंने शपथ खाई है, अतः सत्य को आगे करके राक्षस के पास जाता हूँ। तब उस मनुष्य ने फिर कहा, साधो, तुम ऐसी मूर्खता क्यों करते हो? क्या तुमने मुनि जी का यह वचन नहीं सुना है, गौ, स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा के लिए विवाह के समय, रति के प्रसंग में, प्राण संकट काल में, सर्वस्व का अपहरण होते समय, इन पांच अवसरों पर असत्य भाषण से पाप नहीं लगता? उस मनुष्य का कथन सुनकर चांडाल ने पुनः उत्तर दिया, आपका कल्याण हो, आप ऐसी बात मुँह से न निकालें। संसार में सत्य का ही आदर होता है। भूतल पर जो कुछ भी सुख सामग्री है वह सत्य से ही प्राप्त होती है। सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्य से ही जल में रस की स्थिति है। सत्य से ही आग जलती है और सत्य से ही वायु चलती है। मनुष्यों को सत्य से ही धर्म, अर्थ, काम और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः सत्य का परित्याग न करें। लोक में सत्य ही परब्रह्म है। यज्ञों में भी सत्य ही सबसे उत्तम है, तथा सत्य स्वर्ग से आया हुआ है, इसलिए सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यों कहकर वह चांडाल उस मनुष्य को चुप कराकर उस स्थान पर गया जहाँ प्राणियों का वध करने वाला ब्रह्म राक्षस रहता था। चांडाल को आया देख ब्रह्म राक्षस के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उसने सिर हिलाकर कहा, महाभाग, तुम्हें साधुवाद, तुम वास्तव में सत्य वचन का पालन करने वाले हो। तुम तो सत्य स्वरूप हो। मैं तुम्हें चांडाल नहीं मानता। तुम्हारे इस कर्म से मैं तुम्हें पवित्र ब्राह्मण समझता हूँ। तुम्हारे मुख में कल्याण का निवास है। अब मैं तुम्हें धर्म संबंधी कुछ बातें पूछता हूँ। बताओ, तुमने भगवान विष्णु के मंदिर में कौन सा कार्य किया? मातंग ने कहा, सुनो, मैंने मंदिर के नीचे बैठकर
भगवान के सामने मस्तक झुकाया और उनका यशोगान करते हुए सारी रात जागरण किया। ब्रह्म राक्षस ने फिर पूछा, बताओ तुम्हें इस प्रकार भक्तिपूर्वक विष्णु मंदिर में जागरण करते कितना समय व्यतीत हो गया। चांडाल ने हंसकर कहा, राक्षस मुझे प्रत्येक मास की एकादशी को जागरण करते 20 वर्ष व्यतीत हो गए। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, साधो अब मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ वह करो, मुझे 1 रात के जागरण का फल अर्पण करो। महाभाग ऐसा करने से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, अन्यथा मैं 3 बार सत्य की दुहाई देकर कहता हूँ कि तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। यों कहकर वह चुप हो गया। चांडाल ने कहा, निशाचर मैंने तुम्हें अपना शरीर अर्पित कर दिया है, अतः अब दूसरी बात करने से क्या लाभ, तुम मुझे इच्छानुसार खा जाओ। तब राक्षस ने फिर कहा, अच्छा रात के 2 ही पहर के जागरण और संगीत का पूर्ण मुझे दे दो, तुम्हें मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। यह सुनकर चांडाल ने राक्षस से कहा, यह कैसी बेसिर पैर की बात करते हो, मुझे इच्छानुसार खा लो, मैं तुम्हें जागरण का पूर्ण नहीं दूंगा। चांडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, भाई तुम तो अपने धर्म कर्म से सुरक्षित हो, कौन ऐसा अज्ञानी और दुष्ट बुद्धि का पुरुष होगा जो तुम्हारी ओर देखने, तुम पर आक्रमण करने अथवा तुम्हें पीड़ा देने का साहस कर सके। दीन पापग्रस्त विषय विमोहित नरक पीड़ित और मूढ़ जीव पर साधु पुरुष सदा ही दयालु रहते हैं। महाभाग तुम मुझ पर कृपा करके 1 ही याम के जागरण का पूर्ण दे दो अथवा अपने घर को लौट जाओ। चांडाल ने फिर उत्तर दिया, न तो मैं अपने घर लौटूंगा और न तुम्हें किसी तरह 1 याम के जागरण का पुण्य ही दूंगा। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस हंस पड़ा और बोला, भाई रात्रि व्यतीत होते समय जो तुमने अंतिम गीत गाया हो उसी का फल मुझे दे दो और पाप से मेरा उद्धार करो। तब चांडाल ने उससे कहा, यदि तुम आज से किसी प्राणी का वध न करो तो मैं तुम्हें अपने पिछले गीत का पुण्य दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्म राक्षस ने उसकी बात मान ली। तब चांडाल ने उसे आधे मुहूर्त के जागरण और गान का फल दे दिया। उसे पाकर ब्रह्म राक्षस ने चांडाल को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर तीर्थों में श्रेष्ठ पृथुदक तीर्थ की ओर चल दिया। वहाँ निराहार रहने का संकल्प लेकर ब्रह्म राक्षस ने प्राण त्याग दिया। उस गीत के फल से पुण्य की वृद्धि होने के कारण उसका उस राक्षस योनि से उद्धार हो गया। पृथुदक तीर्थ के प्रभाव से दुर्लभ ब्रह्मलोक में जाकर उसने 10,000 वर्षों तक वहाँ निर्भय निवास किया। अंत में वह जितेंद्रिय ब्राह्मण हुआ और उसे पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। अब चांडाल की शेष कथा कहता हूँ, सुनो। राक्षस के चले जाने पर वह बुद्धिमान एवं संयमी चांडाल अपने घर आया। उस घटना से चांडाल के मन में बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी पत्नी की रक्षा का भार पुत्रों पर डाल दिया और स्वयं पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी। कोकामुख से लेकर जहाँ भगवान स्कंद के दर्शन होते हैं वहाँ तक गया। स्कंद का दर्शन करके वह धारा नगरी में गया। वहाँ भी प्रदक्षिणा करके वह पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर जाकर पाप मोचन तीर्थ में पहुँचा। वहाँ उस चांडाल ने स्नान किया जो सब पापों को दूर करने वाला है, फिर पाप रहित हो वह उत्तम गति को प्राप्त हुआ। श्री विष्णु में भक्ति होने का क्रम और कलि धर्म का निरूपण। मुनियों ने कहा, महामते हमने भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण पूर्वक गीत सुनाने का फल सुना जिससे वह चांडाल परम गति को प्राप्त हुआ। अब जिस तपस्या अथवा कर्म से भगवान विष्णु में हमारी भक्ति हो सके वह हमें बताएं, इस समय हम यही विषय सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति महान फल देने वाली है। वह मनुष्य को
जिस प्रकार होती है वह सब क्रमशः बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मणों, यह संसार अत्यंत घोर और समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है, नाना प्रकार के सैकड़ों दुखों से व्याप्त और मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करने वाला है। इस जगत में पशु पक्षी आदि हजारों योनियों में बारंबार जन्म लेने के पश्चात देहधारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्य का जन्म पाता है। मनुष्यों में भी ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व में भी विवेक, विवेक से भी धर्मनिष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी कल्याणमय मार्गों का ग्रहण होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यों के पूर्व जन्म का संचित पाप जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक जगन्मय भगवान वासुदेव में उसकी भक्ति नहीं होती। अतः ब्राह्मणों, श्री कृष्ण में जिस प्रकार भक्ति होती है वह सुनो। अन्य देवताओं के प्रति मनुष्य की जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा तद चित्त से भक्ति होती है उससे यज्ञ में उसका मन लगता है, फिर वह एकाग्र चित्त होकर अग्नि की उपासना करता है। अग्निदेव के संतुष्ट होने पर भगवान भास्कर में उसकी भक्ति होती है, तब से वह निरंतर सूर्य देव की आराधना करने लगता है। भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उसकी भक्ति भगवान शंकर में होती है, फिर वह बड़े यत्न के साथ विधिपूर्वक महादेव जी की पूजा करता है। जब महादेव जी संतुष्ट होते हैं तब मनुष्य की भक्ति भगवान श्री कृष्ण में होती है, तब वह वासुदेव संज्ञक अविनाशी भगवान जगन्नाथ का पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। मुनियों ने पूछा, महामुने, संसार में जो अवैष्णव मनुष्य देखे जाते हैं वे श्री विष्णु का पूजन क्यों नहीं करते, इसका कारण बताइए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, इस संसार में दो प्रकार के भूत सर्ग विख्यात हैं, एक आसुर और दूसरा दैव। पूर्व काल में इन दोनों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही की थी। दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और आसुरी प्रकृति को प्राप्त हुए लोग श्री हरि की निंदा किया करते हैं। ऐसे लोग मनुष्यों में अधम हैं, श्री हरि की माया से उनकी बुद्धि मारी गई है। ब्राह्मणों, वे श्री हरि को न पाकर नीच गति में जाते हैं, भगवान की माया बड़ी गूढ़ है, देवताओं और असुरों के लिए भी उसका ज्ञान होना कठिन है। वह मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करती है। जिन्होंने मन को वश में नहीं किया ऐसे लोगों के लिए उस माया को पार करना कठिन है। मुनियों ने कहा, महर्षि, अब हम आपसे जगत के संहार की कथा सुनना चाहते हैं। कल्प के अंत में जो महाप्रलय होता है उसका वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, कल्प के अंत में तथा प्राकृत प्रलय में जो जगत का संहार होता है उसका वर्णन सुनो। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये चार युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों में समाप्त होते हैं। समस्त चतुर्युग स्वरूप से एक से ही होते हैं। सृष्टि के आरंभ में सत्ययुग होता है तथा अंत में कलयुग रहता है। ब्रह्मा जी प्रथम कृत युग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही अंतिम कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। मुनियों ने कहा, भगवन, कलि के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिसमें चार चरणों वाले भगवान धर्म खंडित हो जाते हैं। व्यास जी बोले, निष्पाप मुनियों, तुम जो मुझसे कलि का स्वरूप पूछते हो वह तो बहुत बड़ा है, तथापि मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, सुनो। कलयुग में मनुष्य की वर्ण और आश्रम संबंधी आचार में प्रवृत्ति नहीं होगी। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद की आज्ञा के पालन में भी कोई प्रवृत्त न होगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। अग्निहोत्र का नियम उठ जाएगा। कोई किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर जीवन निर्वाह करेंगे।
ब्राह्मणों, कलयुग में जिस किसी का भी जो वचन होगा वह शास्त्र ही माना जाएगा। कलयुग में सब देवता होंगे और सबके लिए सब आश्रम होंगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा। कलयुग में थोड़े से ही धन से मनुष्य को बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। सुवर्ण, मणि और रत्न आदि तथा वस्त्रों के भी नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग की स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही युवतियों का स्वामी होगा। जो जो अधिक देगा उसे उसे ही मनुष्य अपना मालिक मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। उससे दान पुण्यादि न होंगे। बुद्धि द्रव्यों के संग्रह मात्र में ही लगी रहेगी। उसके द्वारा आत्मचिंतन न होगा। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म का अनुष्ठान न होगा। कलयुग की स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होंगी। हाव भाव विलास में ही उनकी स्पृहा रहेगी। अन्याय से धन पैदा करने वाले मनुष्यों में ही उनकी आसक्ति होगी। सुहृदों के निषेध करने पर भी मनुष्य एक एक पाई के लिए भी दूसरों के स्वार्थ की हानि कर देंगे। ब्राह्मणों, कलयुग में सब लोग सदा सबके साथ समानता का दावा करेंगे। गायों के प्रति तभी तक गौरव रहेगा जब तक कि वे दूध देती रहेंगी। कलयुग की प्रजा प्रायः अनावृष्ट और क्षुधा के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से दुखी मनुष्य तपस्वी जनों की भांति मूल फल और पत्ते खाकर रहेंगे और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलि में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग सदा असमर्थ हो क्लेश भोगेंगे। कभी किन्हीं मानवों को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। अग्निहोत्र, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली, बहुत संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती रहेंगी। गुरुजनों तथा पति की आज्ञा का भी उल्लंघन करेंगी तथा पर्दे के भीतर नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य एवं कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारिणी होकर दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कुलवती स्त्रियां भी अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदोक्त व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे और न सतपात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले लोग वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे अपितु कर लेने के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करने वाले होंगे। उस समय जिस जिसके पास हाथी, घोड़े और रथ होंगे वही वही राजा होगा और जो जो निर्बल होंगे वे ही सेवक होंगे। वैसे लोग किसी वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शूद्र वृत्ति से रहेंगे, शिल्प कर्म से जीवन निर्वाह करेंगे। इसी प्रकार शूद्र भी संन्यास का चिन्ह धारण करके भिक्षा पर जीवन निर्वाह करेंगे। वे अधम मनुष्य संस्कारहीन हुए भी लोगों को ठगने के लिए पाखंड वृत्ति का आश्रय लेंगे। दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रवग्रस्त होकर प्रजाजन ऐसे देश में चले जाएंगे जहाँ गेहूं और जौ आदि की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप, पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु बहुत थोड़ी होगी। कलयुग में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8,
9 या 10 वर्ष के पुरुषों की ही संतानें होने लग जाएंगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल सफेद होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर कोई मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट अंतःकरण वाले होंगे, अतः वे थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों, जब जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे, तब तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों को हानि हो, तब तब बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए कार्य शिथिल हो जाएं, तब उसमें विद्वानों को कलयुग की प्रधानता का अनुमान करना चाहिए। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें, तब तब यह समझना चाहिए कि कलयुग का बल बढ़ रहा है। द्विजवरों, जब वेदवाद में प्रेम न हो और पाखंड में अनुराग बढ़ता जाए, तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। ब्राह्मणों, कलयुग में पाखंड से दूषित चित्त वाले मनुष्य सबकी सृष्टि करने वाले जगतपति भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेंगे। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि देवताओं से क्या लेना है, ब्राह्मणों और वेदों से क्या लाभ, जल से होने वाली शुद्धि में क्या रखा है। कलयुग में मेघ थोड़ी वृष्टि करेंगे, खेती में बहुत कम फल लगेंगे और वृक्षों के फल सारहीन होंगे। कलि में प्रायः लोग घुटनों तक वस्त्र पहनेंगे, वृक्षों में समी की अधिकता होगी, 4 वर्णों के सब लोग प्रायः शुद्रवत हो जाएंगे। कलयुग के आने पर प्रायः छोटे छोटे धान्य होंगे, अधिकतर बकरियों का दूध मिलेगा और उसीर खश ही एकमात्र अनुलेपन होगा। कलयुग में अधिकतर सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे। मुनिवरों, उन समय मनोहारिणी भार्या और साले आदि ही सुहृद समझे जाएंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसकी माता है और कौन किसका पिता। सब जीव अपने कर्मों के अनुसार ही जन्मते और मरते हैं। उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन, वाणी और शरीर के दोषों से प्रभावित होकर प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। सत्य, शौच तथा लज्जा से रहित मनुष्यों के लिए जो जो दुख की बात हो सकती है, वह सब कलिकाल में होगी। संसार में स्वाध्याय, वसटकार, स्वधा और स्वाहा का शब्द नहीं सुनाई देगा। उस समय स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई विरला ही होगा। एक विशेषता अवश्य है, कलयुग में थोड़ा सा ही प्रयत्न करने पर मनुष्य वह उत्तम पूर्ण राशि प्राप्त कर सकता है, जो सत्ययुग में बहुत बड़ी तपस्या से ही साध्य हो सकती है। ब्राह्मणों, कलयुग धन्य है, जहाँ थोड़े ही क्लेश से महान फल की प्राप्ति होती है, तथा स्त्री और शूद्र भी धन्य हैं। इसके सिवा और भी सुनो, सत्ययुग में 10 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, वह त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास तथा कलयुग में 1 दिन रात के ही अनुष्ठान से मिल जाता है। इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ बताया। सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में पूजन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वही कलयुग में केशों का नाम कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग से अधिक संतुष्ट हूँ। अब शूद्रों की विशेषता का वर्णन सुनो। द्विजों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है, फिर धर्मतः प्राप्त हुए धन के द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ धन द्विजों के पतन के कारण होते हैं। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। यदि वे सभी वस्तुओं में विधि का पालन न करें तो उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पान
आदि भी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त होते, वे समस्त कार्यों में परतंत्र होते हैं। इस प्रकार विनीत भाव से महान क्लेश उठाकर वे उत्तम लोकों पर अधिकार प्राप्त करते हैं, परंतु मंत्रहीन पाक यज्ञ का अधिकारी शूद्र केवल द्विजों की सेवा करने मात्र से अपने लिए अभिष्ट पूर्ण लोकों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शूद्र अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक धन्यवाद का पात्र है। स्त्रियां क्यों धन्य हैं, इसका कारण बतलाया जाता है। पुरुषों को अपने धर्म के विपरीत न चलकर सदा ही धनोपार्जन करना, उसे सुपात्रों को देना और विधिपूर्वक यज्ञ करना आवश्यक है। धन के उपार्जन और संरक्षण में महान क्लेश उठाना पड़ता है तथा उसे उत्तम कार्य में लगाने के लिए मनुष्य को जो गहरी चिंता करनी पड़ती है वह सबको विदित है। ये तथा और भी बहुत से क्लेश सहन करके पुरुष क्रमशः प्रजापत्य आदि शुभ लोक को प्राप्त होते हैं, परंतु स्त्री मन वाणी और क्रिया द्वारा केवल पति की सेवा करने मात्र से उसके समान लोक पर अधिकार प्राप्त कर लेती है। वे महान क्लेश के बिना ही उन्हीं लोकों में जाती है जिनमें क्लेश साध्य उपाय करके पुरुष जाता है। इसलिए तीसरी बार मैंने स्त्रियों को साधुवाद दिया। ब्राह्मणों, यह मैंने कलयुग आदि की श्रेष्ठता का कारण बताया है। अब तुम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो उसे पूछो, मैं तुम्हारे इच्छा अनुसार उसका भी वर्णन करूँगा। जो अपने सद्गुण रूपी जल से समस्त पाप रूपी पंख को धो चुके हैं, उनके द्वारा थोड़े ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म की सिद्धि हो जाती है। मुनिवरों, शूद्र केवल द्विजों की सेवा में तत्पर रहने तथा स्त्रियां पति की शुश्रूषा करने मात्र से अनायास ही पूर्ण लोक प्राप्त कर लेती हैं, इसलिए इन तीनों को ही मैंने परम धन्य माना है। द्विजातियों को सत्य आदि तीनों युगों में धर्म का साधन करते समय अधिक क्लेश उठाना पड़ता है, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़े ही तपस्या से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मुनिवरों, जो कलयुग में धर्म का आचरण करते हैं वे धन्य हैं। धर्मज्ञों, तुम्हारा जो अभिष्ट विषय था उसे मैंने बिना पूछे बता दिया, अब और क्या करूँ। युगांत काल की अवस्था का निरूपण। मुनियों ने कहा, धर्मज्ञ, हम लोग धर्म की लालसा से अब उस कलिकाल के समीप आ पहुँचे हैं जबकि स्वल्प कर्म के द्वारा हम सुखपूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन निमित्तों लक्षणों से धर्म का नाश और त्रास एवं उद्वेग करने वाले युगांत काल की उपस्थिति जानी जाए उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, युगांत काल में प्रजा की रक्षा न करने वाले केवल कर लेने वाले राजा होंगे, वे अपनी ही रक्षा में लगे रहेंगे। उस समय प्रायः क्षत्रियेतर राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ रहकर जीवन निर्वाह करेंगे और शूद्र ब्राह्मणों के आचार का पालन करने वाले होंगे। युगांत काल आने पर श्रोत्रिय तथा कांडपृष्ठ अपने कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुरुष एक पंक्ति में बैठकर यज्ञ कर्म से हीन हविष्य भोजन करेंगे। मनुष्य अशिष्ट स्वार्थ परायण नीच तथा मद्य और मांस के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ व्यभिचार